खबर श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां बाजूवाला चौक के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त श्री विजयनगर निवासी भूपेंद्र के रूप में की। इस दौरान पुलिस ने शव को मोर्ची में रखवाया है। तो इस सभी के बीच में गौर करने वाली बात यह है कि जिस ट्रक से ये हादसा हुआ, वो ट्रक परिवहन विभाग की ओर से ब्लैक लिस्टेड था, फिर भी खुलेआम परिवहन करता पाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से आपको खबर बता रहे हैं। सड़क हादसा ये हुआ, एक ट्रक ने बाइक सवार को यहां पर टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इन सभी के बीच में गौर करने वाली बात यह है कि जिस ट्रक से ये हादसा हुआ, वो ट्रक सरकार के द्वारा ब्लैक लिस्टेड था, उसे चलाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवहन वो करता पाया गया और उसने एक बाइक को अपनी चपेट में लेते हुए इस सड़क हादसे में उस बाइक सवार ने अपनी मौत भी उस बाइक सवार की मौत हो गई। परिवहन विभाग ने इस ट्रक को ब्लैकलिस्ट किया था, बताया जा रहा है, लेकिन किसी कारण के चलते ये जो ट्रक है फिर भी परिवहन करता पाया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से आपको फिलहाल ये खबर बता रहे हैं। परिवहन विभाग ने ट्रक को ब्लैकलिस्ट किया था, बड़ी बात इस पूरी घटना में ये सामने आ रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता सतनाम फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतनाम, बताएं किस प्रकार से ये पूरा सड़क हादसा हुआ, और मोटी बात इसमें गौर करने वाली ये भी सामने आ रही है कि जिस ट्रक से ये हादसा हुआ वो ब्लैकलिस्टेड था, फिर किसके परमिशन से वो रोड पर चल रहा था? यही अभी मैं आपको बता दूं कि इस बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास चल रहे हैं जी। जैसा कि ये जानकारी मिली कि ये राजनगर से जो विजयनगर रोड है उसमें गीला फार्म आता है, गीला फार्म के पास ही ये हादसा हुआ है और मोटरसाइकिल से ट्रक की जो टक्कर हुई है और मोटरसाइकिल ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया है और उसमें एक युवक की मौत भी हो चुकी है। हालांकि ये जानकारी सामने आई कि ट्रक ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है परिवहन विभाग द्वारा जी, लेकिन इसमें अभी खोजबीन चल रही है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज करने के बाद अभी छानबीन जारी है कि किस प्रकार से ये ट्रक लोडिंग हुआ और कहाँ से लोडिंग हुआ, कहाँ जा रहा था जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सतपाल।